फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। एंड यस, आपने कल का ब्लॉग देखा, एनिवर्सरी का ब्लॉग, तो उसमें जो मतलब कि क्या बोलते हैं, गिफ्ट जो पार्ट है वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि गिफ्ट ऑन द वे है, थोड़ा सा लेट से पहुँचेगा, तो फिर इन लोगों को भी नहीं पता है कि क्या गिफ्ट है, तो फिर वो आ रहा है, ऑन द वे है। तो आई होप जैसा है वैसा ही अच्छे से हो। तो जब आएगा आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही, तो फिर दो तीन दिन में आ ही जाएगा। तो एनीवेज एंड मोर ओवर, हम लोग रेडी शेडी होके हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एग्जीबिशन लगने वाला है हाई लाइफ ब्राइड्स का नोवेटल में, तो फिर वहाँ पे मैं और मम्मी जाने वाले हैं, अभी निकलने वाले हैं। अभी कुछ 2:35 ऐसे हो रहा है, और आज सोचोगे तो फ्राइडे है एंड ऊपर से ऑफिस का काम, तो फिर मैंने छुट्टी नहीं ली है। मैं सुबह सुबह 5:30 बजे बैठ के लॉग इन करके अपना काम वगैरह जो भी था ख़त्म कर दी थी, एंड 2 बजे तक फिर उसके बाद मैंने छुट्टी ले लिया था। तो मतलब काम भी हो गया, सब कुछ ऑफिस भी काम का हो गया, तो वो करके फिर हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो अभी हमने लंच नहीं किया है क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था, थोड़ा सा हेवी फील हो रहा है। तो एनीवेज हम लोग चलते हैं, देखेंगे वहाँ पे कुछ भूख लगेगा तो कुछ ऐसा ऐसा कुछ खा लेंगे। एंड दादी के लिए तो बना के मम्मी गई हुई है, तो दादी अपना खा लेंगी, तो यही है। तो लेके चलते हैं आप लोगों को, चलिए। बनारस मटका से ग्रीन, दैट लाइट ग्रीन इज ना, नो नो दिस इज हैंडलूम लिनन। ओके, सो दे हैव लॉट, या सी टू शेड वर्क, वर्क है, वर्क हैंडलूम ना, साड़ी में वर्क आएगा, टू टोन में पूरी साड़ी में वर्क आएगा। दिस इज ब्लाउज, कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, ये पूरा साड़ी आएगा, पूरा ऑल ओवर वर्क। सिंगल पीस दिस वन। एंड फ्रेंड्स, ये जो हाई लाइफ ब्राइड्स एग्जीबिशन है, यहाँ पे सिर्फ ब्राइड लोगों के लिए नहीं, जो भी नॉर्मल भी है, मतलब कि इंडियन वेयर्स को छोड़ के भी वेस्टर्न वेयर्स कपड़े भी यहाँ पे मिल रहे थे। एंड मोर ओवर यहाँ पे जैसे ज्वेलरीज हो गया, देन फिर आपके साड़ी हो गया, देन फिर ड्रेसेस, ड्रेस मटेरियल्स भी मिल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे एंड हैंड बैग्स हो गया, देन फिर उसके बाद बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सारे भी वहाँ पर मिल रहे थे, बहुत ही अच्छा था। एंड मोर ओवर ये लोग सारे नॉर्थ इंडियन से हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, सूरत, इन सारी जगह से आए हुए हैं। अगर आप लोगों को कभी विज़िट करना है तो आप लोगों को तो पता है, मैंने डेट भी आपको पिछले कुछ दिनों
पहले के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 13, 14, 15 मई नोवोटेल में लगा हुआ है, एंड प्लस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हो तो वहाँ पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करके भी आप जा सकते हो। एंड यस, एंड टाइमिंग भी बता चुकी हूँ, 10 AM to 8 PM तक ही है। और फ्रेंड्स, हम लोगों का हो गया है, हम लोग गए थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, एंड फिर उसके बाद हम लोग आए हुए हैं पानी पूरी खाने के लिए। आपको पीछे दिख रहा होगा, तो फिर बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स टाइप का करते हैं। तो मम्मी को भी बहुत दिनों से पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है चलो पानी पूरी खिला देते हैं। तो एक समोसा चाट और दो पानी पूरी मंगाया है हमने, तो खाते हैं फिर उसके बाद घर ही चलते हैं। बट बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। घोपा घोप गाड़ी कैसा है? अच्छा है। चलो, मुझे लगा अभी बोलेगी अच्छा है, नहीं तो मुझे मार देगी। इसका मुंह चुप करा तो मतलब कुछ भी बकती है। एक तो रास्ते का कुछ आता पता नहीं है, ठीक है, बोलते कि ये वेस्ट साइड इस रास्ते पे था, उस रास्ते पे था, क्या अभी बस बोल रही थी के? तो मैंने कहा कि यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो उधर नहीं, यहाँ पे मैंने देखा था। मैंने कहा हाँ सपनों में देखती होगी तुम। कितना ओ हेलो, हाँ कितने साल से, तुम जितने साल से, मैं उतने साल से हूँ। तो छोटी बच्ची थी रे, मैं कब से घूम, हाँ इसलिए बहुत पता है ना तुमको रास्ते के बारे में। रहने दो, नौटंकी। चलो अभी ट्रैफिक है तो थोड़ा थोड़ा होके हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं नायका मैडम को। मैडम को हाँ ना हाँ ना हाँ ना करते करते फिर बोली कि नहीं चलो नायका चलते हैं। मतलब क्या बोलूँ, लो पकड़ो दोस्त लोग, ये देखो कितना बड़ा रबर का प्लांट है। हम लोग के घर पे कितना छोटा छोटा, और इधर देखो कितने अच्छे से खिला हुआ है। तो ये तो खरा रहे होती तो घरे का रुक चल जाएगा ना। Be a weekend lover, yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. दादी अंदर है, लॉक लगा लिया। कैसे खुलेगा? 5 मिनट से हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और दादी इसी रूम में सोई हुई है, लिविंग रूम में, बट उनको सुनाई नहीं देता है, बहुत कम, कान से निकाल दिया होगा तब तो हो ही गया। क्या कर सकते हैं, खटखटाओ या जो भी करो वो नहीं सुनने वाली जब तक वो उठ नहीं जाती है तब तक। मम्मी अगर सोच लो हम दोनों में से किसी को टट्टी लग रही हो तो अरे क्या होगा दोस्तों, अरे दिस इज फैक्ट है कि नहीं? तो फिर यस हम लोग आ गए, एंड आधा घंटा के बाद फिर दादी खोली
तो मतलब कि वो उठी ना जब मतलब शाम हो गया था, तो फिर उनका नींद खुला, फिर बाथरूम गई, तभी भी हम लोग कॉलिंग बेल बजा रहे थे तो नहीं सुनी। फिर उसके बाद जाके फिर जैसे कि क्या बोलती हूँ, बहुत ज़ोर से खटखटाया, क्योंकि वो जाके जो हमारा हॉल है वहाँ का लाइट लगाए, तो लगा कि वहाँ, क्योंकि कॉलिंग बेल बजा तभी भी नहीं खोल रहे, तो इसलिए ज़ोर से खटखटाया, तो उनको पता चला कि हाँ मतलब कि कोई खटखट आ रहा है। तो फिर वो खोले, फिर उसके बाद हम लोग आए, फिर फ्रेश व्रेश होके, फिर मैंने एडिटिंग भी नहीं किया था ब्लॉग, तो इसलिए कल भी आप लोगों को ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट से गया होगा, तो वही बैठ के अभी एडिटिंग की। फिर करने के बाद मैंने वो सब किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा चाय नाश्ता सब, एंड अभी थोड़ा सा बैठी हुई हूँ, तो सोची कि ब्लॉग को एंड करते हैं, तो बहुत नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा ना। एंड तो क्या लेके आए क्या नहीं वो मैं आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बताती हूँ, तो यही है। तो फिर चलिए रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, तो कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी रखिए। एंड आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।